हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है, ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से। आज हमारे पास एक MI का बोर्ड है, MI 5A का बोर्ड है मेरी ये, और इसमें कुछ पावर का इशू था। तो मैंने सोचा कि मैं पावर IC निकालने जा रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको IC का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूँ, और IC को कैसे हम प्रॉपरली मतलब निकालते हैं हॉटगन की हेल्प से, ये आपको मैं दिखाना सिखाऊँगा आज, और करना सिखाऊँगा सॉरी। और सबसे पहले जैसे हमारे पास बोर्ड आता है, तो उसमें हम ये लोकेट करते हैं कि हमारी IC है कौन सी, और प्लस हमारे पास टूल कौन कौन से होने चाहिए IC का काम करने के लिए, और प्लस आपकी हॉटगन जो कि बहुत ज़्यादा काम की होती है, IC के काम में वैल्यू रखती है कि आप कौन सी हॉटगन यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं, जो टूल्स हैं जो IC के काम में कंपलसरी होते हैं। एक हमारी ट्विज़र इस मॉडल की, और बहुत कीमती ये हमारा IC टूल जिससे हम IC को उठाते हैं बोर्ड से, ठीक है। ब्लेड अगर काम पड़ता है, अगर IC पेस्टेड है तो भी, नहीं है तो भी होना चाहिए आपके पास। एक स्ट्रेट चिमटी, ये आपकी ट्विज़र, और ये जो आपके पास ये आप देख रहे हैं, ये मतलब शील्ड सम हमारे पास हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा ये काम में किस में लेते हैं हम। जैसे हम कभी मतलब बोर्ड खोलते हैं तो उसमें ये ऊपर निकाल आती हैं, IC के ऊपर के कवर्स होते हैं, ठीक है, ये ढक्कन होते हैं। तो इनका यूज़ हम कैसे करते हैं, जैसे हम कोई भी IC निकाल रहे होते हैं तो उन पे हम आस पास के कंपोनेंट उससे डैमेज ना हो जाए, उसके लिए हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि एक IC निकाल रहे हो तो आपके यहाँ पर जैसे ये जैक हैं और बैटरी कनेक्टर्स हैं और कैमरा का जैक है, पिन है, IC हैं, तो उन पे इफेक्ट ना पड़ने पाए उसके लिए इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टोटल हो गए टूल्स, टूल का इंट्रोडक्शन, और हाँ सबसे मेन हमारी हॉटगन, जो मैं IC के काम में जो हॉटगन स्पेशली मतलब करता हूँ यूज़, वो मैं क्विक कंपनी की 857DW+, मैं ये क्विक कंपनी की हॉटगन आती है ओरिजिनल, वो मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये स्पेशली IC के काम के लिए ही आती है, क्योंकि इसकी एयर और हीट का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत सही लगता है, जो लोग IC के काम करते हैं उन सभी को, तो मैं वो यूज़ करने वाला हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद हमारे इंट्रोडक्शन में ये भी आता है कि हम IC की लोकेशन कैसे जानेंगे। तो पावर IC आप जब भी निकाल रहे होंगे तो सबसे पहले आपको बोर्ड में पावर IC निकालने के लिए उसको पता होना चाहिए कि आपकी पावर IC है कौन सी। तो जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, ये हमारा CPU, जहाँ पे हमारा CPU लगा होता है, सबसे हैवी साइज़ में CPU होता है, उसके जस्ट पास में हमारी होती है MMC, और पावर IC की आइडेंटिफिकेशन किसी भी फ़ोन में आप ऐसे कर सकते हैं कि पावर IC के आसपास आपको बिल्कुल मतलब सटे हुए लगे हुए कंपोनेंट लगे होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा संख्या कैपेसिटर और कॉइल की होती है। जैसे आप देख सकते हैं, ये ब्राउन कैपेसिटर लगे हुए हैं, ब्लैक कॉइल लगी हुई हैं, ये बाकी फ़ोन के किसी भी IC के कंपैरिजन में इस IC के पास में आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, पावर IC के पास सबसे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे का हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हिमांशु गुप्ता, ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से। आज हमारे पास एक MI का बोर्ड आया हुआ था, उसमें पावर का कुछ इशू था, तो हमने उसकी पावर IC निकाली हुई है, ये जैसे आप जैसे कि देख रहे हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम किसी भी IC को रिवॉल्व कैसे करते हैं। आज हमारे पास MI फ़ोन की ये IC है, पावर IC है, इसको हम रिवॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास IC रिवॉल्व करने के लिए सामान क्या क्या होना चाहिए। तो IC रिवॉल्व करने के लिए जो हमारे पास एसेंशियल चीज़ें होनी चाहिए, उनमें सबसे पहले हमारी स्टेंसिल, और कॉमन सी बात, एक IC जो हमारे पास है पावर IC, और एक स्टैंड अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो, PPD पेस्ट मेरे पास मैकेनिक का मैं यूज़ कर रहा हूँ 138 डिग्री वाला, एक ब्रश क्लीनिंग के लिए, एक बेंट ये चिमटी हमारे पास है ट्विज़र, एक स्ट्रेट अगर आपको मतलब यूज़ लगता है तो, एक स्टेंसिल जिसकी कंडीशन अच्छी हो, और एक क्लीनिंग के लिए कपड़ा, और ये टेप अगर आप स्टेंसिल में IC लगाने में टेप यूज़ करते हैं तो, अगर ऐसा ही करते हैं तो गुड है, और क्लीनिंग के लिए पेट्रोल, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु गुप्ता, ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से। आज हमारे पास एक बोर्ड है और हम उसमें IC लगाना सीख रहे थे। तो हमारे पास एक बोर्ड आया था MI 5A का, तो उसमें हमारे पास पावर की दिक्कत थी, तो पावर IC हमने निकाली थी और रिवॉल्व कर ली है।
पावर एसी हमारे पास में है जैसा कि आप देख सकते हैं ये, और हमने इसको रिवॉल्व कर लिया है और ये हमारा प्लेस है पावर आईसी का। पावर आईसी जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर क्वाइल्स आसपास ढेर सारे लगे हुए हैं, तो इस पे इस जगह पर इसको हम प्लेस करके लगाना सीखेंगे कि पावर आईसी को ठीक तरीके से कैसे प्रॉपर वे में प्लेस करा जाता है ताकि वो मतलब शॉर्ट भी ना करे और एकदम सही जगह पर अपनी प्लेस हो जाए वो, ठीक है। तो हम ये करना सीखेंगे और उसके लिए हमारे पास बेसिकली इसे मतलब एसेंशियल टूल क्या होने चाहिए ये हम देखेंगे। नॉर्मली हमारे पास ये चिमटी होनी चाहिए, बैंड बैंड और चिमटी है, ट्वीज़र जिसको बोलते हैं हम, और हमारे पास एक केटी का शोल्डर पेस्ट है, ठीक है, इसका यूज़ करेंगे हम। और क्लीनिंग के लिए पेट्रोल का यूज़ कर लेंगे, उसको बेस्ट मतलब हम सबसे सही क्लीनर मानते हैं। और उसके अलावा हम हॉट गन का यूज़ कर रहे हैं, हॉट गन के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं जो आईसी के लिए स्पेशली हॉट गन आती है क्विक की 857 DW+, वो हमारी आईसी के लिए काम के लिए ही आती है स्पेशली। उसकी हीट और उसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि उसमें हीट और एयर का कॉम्बिनेशन बहुत सही होता है आईसी के काम के लिए स्पेशली, ठीक है। तो उसका हम यूज़ करेंगे। एयर हम जो लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं 0.5, और जो हम टेम्परेचर लेंगे टेम्परेचर हम लेने वाले हैं 330 का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम अपनी आईसी को प्लेस करते हैं। मैंने आईसी का मतलब डायरेक्शन निकालने से पहले चेक कर लिया था, देख लिया था कि आईसी किस डायरेक्शन में लगी हुई थी, तो मैं उसी डायरेक्शन में आईसी को इस आईसी को यहाँ पर मैं प्लेस करने वाला हूँ और ऊपर से प्रॉपर वे में हीट दूंगा। आपको बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि आप जब हीट दे रहे हों तो आप हीट जब देंगे तो आपकी हॉट गन की जो होती है नोज़ल वो आपकी आईसी के एकदम पास में रहेगी ताकि आईसी के सिर्फ ऊपर हीट पड़े, साइड में हीट ना पड़ने पाए। एक्चुअली में साइड में हीट पड़ने में क्या होता है आईसी उड़ जाती है ज़्यादा एयर होने से, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और आईसी को मैं अब रखता हूँ, पेश करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। आईसी को पेश करने से पहले हम थोड़ा सा शोल्डर पेस्ट यहाँ पर ले लेंगे ताकि आईसी को सूखा मतलब सूखी नहीं चिपकाई जाती है बॉल पे, वरना वो कैच नहीं करती है बॉल्स को। तो हमने पहले पेस्ट लगा लिया है और हम आईसी को बहुत ही सावधानी के साथ में रख लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आईसी को प्लेस कर लिया है सही तरीके से, पेस्ट लगा करके मैंने प्लेस कर लिया है। अब मैं इसको प्रॉपर हीट दूंगा, मैं हीट देने वाला हूं सर 330 की, एयर 0.5, बहुत ध्यान से। देखिए जैसा कि मैंने पास से देखा, आपको कैमरे में तो साफ नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, आईसी मेरी थोड़ी सी अपनी जगह से हटी हुई थी, बट जब मैंने हीट प्रॉपर हीट दी और उसकी बॉलें मेट होने लगी तो आईसी अपनी जगह प्लेस हो गई। अब आईसी को क्रॉस चेक करने के लिए कि आईसी सही से लगी है कि नहीं लगी है, आईसी सही से लगी है कि नहीं लगी है, तो हमने आईसी को आखिरी में हिला के देख लेना है। हीट देते हुए ही आईसी हल्की से हिलेगी बट अपनी जगह पर आ जाएगी, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी आईसी प्रॉपर वे में बैठ गई है, ठीक है। मैंने आईसी हिला के देख लिया है और आईसी अपनी जगह पर प्रॉपर वे में बैठ गई है। थोड़ा सा स्टैंड ठंडा हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ उठा करके। ये देखिए अभी आप जूम करके देख सकते हैं, ये देखिए इसमें। अब अगर आपको क्रॉस चेक करके देखना है कि आईसी सही लगी है कि नहीं लगी है, तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, ये देखिए आईसी के आसपास के मार्क, ये देखिए एक मार्क ये दिया हुआ है वाइट कलर का आपको, इस साइड एक मार्क दिया हुआ है वाइट कलर का, इसको चेक कर लेते हैं। अगर इसके बीच में हमारी आईसी है तो हमारी आईसी प्रॉपर वे में बैठी है, ठीक है, हमारी आईसी पावर आईसी हमारी लग गई, ठीक है। तो आपको इन सभी सावधानियों का ध्यान रखना है, अपनी हॉट गन की एयर टेम्परेचर और पेस्ट लगाना, प्रॉपर वे में लगना, और उसकी आईसी निकालने से पहले आपको डायरेक्शन जरूर चेक कर लेनी है कि किस
डायरेक्शन में आईसी लगी हुई थी, वरना आपको आईसी लगाने के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।